गुरु प्रताप क्लासेस, दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत में कौन क्या जून 2022 तक न्यू अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार आपके लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट का है और उसके बाद में वीडियो मेंस का एग्ज़ाम है। 2 जुलाई को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए भारत में कौन का आपको जून 2022 तक न्यू अपडेट के साथ ये वीडियो मिलेगा। तो इसमें कई आपको पता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष नए बन चुके हैं, नीति आयोग के अब नए सीईओ बने हैं, नए विदेश सचिव बन चुके हैं, रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नए बन चुके हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नए बने हैं, सेबी के नए अध्यक्ष बन चुकी है और एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसलिए न्यू अपडेट के साथ ये वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। लाइक शेयर करते रहना। तो स्टार्ट करता हूँ, देखिए आज की हमारी ताज़ा अपडेट इंडिया में कौन क्या का वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता है राष्ट्रपति भारत का नागरिक ये होता है और सर्वोच्च सेनापति होता है। तो वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। अब आपको ये भी पता है कि आने वाली 25 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति जो है नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, जो है नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे 25 जुलाई को। और 21 इसके बाद में अब इनका कार्यकाल रामनाथ कोविंद का ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे तो उसको आपके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आपको पता है राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, तो रामनाथ कोविंद है वैसे तो वर्तमान में। उसके बाद में उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद में मुख्य न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस एन वी रमना। कौन है ये? जस्टिस एन वी रमना वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ये। वर्तमान में महान्यायवादि कौन है? श्री के वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में? ये क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी को नाम है, ध्यान रखना, संवैधानिक पदाधिकारी है सारे। तो महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। उसके बाद में देखो सॉलिसिटर जनरल मतलब श्री तुषार मेहता। कौन है? श्री तुषार मेहता। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ये बन चुके हैं अब राजीव कुमार, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये नए बने हैं। तो ये ध्यान रखना, राजीव कुमार हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये संवैधानिक पदाधिकारी थे। अब हम बात करेंगे संसदीय पदाधिकारी की। कौन से की? संसदीय पदाधिकारी। सभापति कौन? राज्यसभा का सभापति होता है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो वेंकैया नायडू है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये न्यू अपडेट आप अच्छी तरह से याद रखना। तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के वर्तमान में? तो ये है पी थंबीदुर। कौन है? पी थंबीदुरई। और लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। कौन है? पीसी मोदी। ये क्या है? सारे संसदीय पदाधिकारी हैं। अब हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में बात करेंगे तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। तो ये भी अभी नए बन चुके हैं, जनरल मनोज पांडे है जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद में वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी। तो ध्यान रखना, वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष है वी आर चौधरी। ये मैंने लगभग आपको डेली, मेरी सुबह इंडिया करंट की क्लास आती है, ये सारे क्वेश्चन न्यू अपडेट के साथ आपको उपलब्ध करवाता हूँ मैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो नौसेना अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और महानिदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के, तो पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक। और समुद्री सुरक्षा समन्वय के महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, जैसे ये नए कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनते हैं तो आपको सुबह इंडिया करंट की क्लास में मैं डेली आपको ताज़ा तथ्य के साथ पूरी डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ। तो इसके कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। अब हम बात करेंगे मुख्य
हमारे जो सचिव एवं सलाहकार है उनकी चर्चा करेंगे। अब आपको पता है विदेश सचिव भी नए बन चुके हैं विनय मोहन कवात्रा। तो कौन बन चुके हैं? विनय मोहन कवात्रा विदेश सचिव नए बन चुके हैं। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। ये कौन है? वर्तमान में गृह सचिव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरम। कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। ये भी अभी नए बने हैं, तो ध्यान रखना भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो वो हमारे क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें हैं और ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार है सिन्हा। तो ये ध्यान रखना, थोड़े अलग अलग हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखना। अब हम बात करेंगे प्रमुख आयोग हैं जितने भी उनके अध्यक्षों की चर्चा करेंगे। तो जितने भी आयोग हैं उनके चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो पता है वर्तमान में जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना, देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अब देखो उपाध्यक्ष नीति आयोग के अभी नए बने हैं, ये न्यू अपडेट हुई है इनकी, डॉक्टर सुमन बेरी की। तो पहले राजीव कुमार थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, लेकिन उनको हटा दिया। अब न्यू ये बन चुकी है डॉक्टर सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन है लोक सेवा आयोग का? डॉक्टर मनोज सोनी। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। और अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग का कौन है? ब्रिजराज शर्मा। कौन है? कर्मचारी चयन आयोग का है ब्रिजराज शर्मा। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इकबाल सिंह लालपुरा। ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, कल जो आपको मैंने 3 मंथ का वीडियो उपलब्ध करवाया है उसमें मैंने आपको बताया है ये। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जेपी महापात्रा। और अध्यक्ष मानवाधिकार के वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो ध्यान रखना मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी महापात्रा। तो ये ध्यान रखना ये वर्तमान में मुख्य आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आपको पता है विविध पदाधिकारी हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। और ये देखो सेबी के नई अध्यक्ष अभी बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच है जो सेबी की नई अध्यक्ष है, वर्तमान में अभी इनकी नियुक्ति हुई है। अध्यक्ष कौन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का? निधि छिब्बर। तो ये नाम ध्यान रखना, कौन है? निधि छिब्बर। तो ये कुछ थे। उसके बाद में हम बात करेंगे, तो ये आपको पता है कुछ संगठन बने हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सोमनाथ। इनकी भी कुछ ही महीनों पहले इनकी नियुक्ति हुई है न्यू अपडेट के साथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन किसके कौन है? उसके हैं अजीत कुमार मोहंती। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर सुनी कृष्ण नायर है जो वर्तमान में है। ये देखो ये अभी 2 दिन पहले इनकी अपडेट हुई है, नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं परमेश्वर अय्यर। ये ध्यान रखना पहले अमिताभ कांत थे, लेकिन उनका अब कार्यकाल पूरा हो चुका है, 30 जून को पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अब नीति आयोग के नए सीईओ ध्यान रखना परमेश्वर अय्यर है जो नए सीईओ ये बन चुके हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। और अध्यक्ष नाबार्ड के कौन है ध्यान रखना? गोविंद राजोलू चिंताला। कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंद राजोलू चिंताला। अब हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी की, क्योंकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि महासचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ये कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोसस गेब्रेसस है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं जय शाह। तो ये एक बार फिर से इनको नियुक्त किया गया है, अभी इनको फिर एक बार नई अपडेट के साथ इनको नियुक्त किया गया है। किसको? जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोल। कौन है? आंद्रे अजोल है जो यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक है। तो ये कुछ आपके लिए अपडेट थी, मैंने उपलब्ध करवा दी।
आपकी ये इंडिया में कौन क्या है, बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है, लेब असिस्टेंट है, वीडियो मैंस है, राजस्थान पुलिस है, उसके लिए आप इंडिया में कौन क्या के लिए बहुत ज़रूरी आपके लिए। तो न्यू अपडेट के साथ जून तक अपडेट के लिए मैंने आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा दिया। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।